तमाम साथियों को नमस्कार। मैं अनीस, आप सभी को मालूम है कि 5 दिन से हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है। आप सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, लेकिन दिन पर दिन हमारी संख्या बहुत कम होती जा रही है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि 6 अगस्त के दिन पटना के गर्दनी बाग में आइए, या पटना में आइए, उसके बाद आपको बताया जाएगा 6 अगस्त को हम लोग को क्या करना है। आप सभी देख रहे होंगे डिजिटल माध्यम से, यूट्यूब पे, फेसबुक पे लगे हुए हैं हम लोग सर 5 दिन से। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा जब तक नोटिफिकेशन या शेड्यूल हमें नहीं मिल पाता है। तो आप लोग से एक थोड़ा सा निवेदन है, 2 निवेदन मैं करना चाहता हूँ। एक, आपकी शारीरिक उपस्थिति बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, साथ ही साथ आर्थिक सहयोग लगातार बनाते रहें। आप लोग को फेसबुक पर देखे होंगे अकाउंट नंबर जारी हुआ है, उसमें आप लोग जो अपनी इच्छा अनुसार है आर्थिक सहयोग कर दीजिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं यहाँ से जो भी अभ्यर्थी आपके कोई अगल बगल से आया हुआ होगा उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। हर चीज़ में पैसा लगता है, पानी से लेकर खाना चाहिए, वो सारा हम लोग द्वारा किया जा रहा है। रहने का व्यवस्था, अभी 3 दिन से हम लोग केदार भवन में थे, 2 दिन के लिए स्टेडियम बुक किया गया और फिर से वापस हम लोग आज केदार भवन बुक करने आए हुए हैं। पर डे का उसमें 3,000-5,000 लगता है रहने में, खाने का सुबह शाम मिला के 8,000-9,000 लगता है। 70-80 आदमी खाते हैं लगभग सुबह और शाम में। तो ये सब देखते हुए आप लोग से यही निवेदन है कि शारीरिक उपस्थिति दर्ज करें और साथ ही साथ आर्थिक सहयोग करें। हालत हम लोग का देख रहे होंगे, जो भी यहाँ हम लोग हैं 5-7 दिन से घर छोड़ के बैठे हुए हैं। बहुत लोग का तो समय मिल रहा है घर जाकर आराम कर ले रहे, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा भी आराम करने का समय नहीं है। तो आप भाइयों और बहनों से निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आर्थिक सहयोग जरूर करें। धन्यवाद। कल भी हम लोग का आंदोलन रहेगा, 9 तारीख तक कंटिन्यू परमिशन हम लोग के पास है, परमिशन में हम लोग कमी नहीं कर रहे हैं, पर यह आंदोलन अनिश्चितकालीन ही चलने वाला है।